अतः छत्तीसगढ़ के कांकेर में बागी प्रत्याशियों के प्रचार रोकने की कोशिश। बीजेपी से बागी प्रत्याशियों के घरों में पथराव किया गया। देर रात को अज्ञात लोगों ने घर में पथराव कर दिया, तो प्रत्याशी ने पुलिस से इस संबंध में लिखित शिकायत की है। नगर पंचायत नरहरपुर का मामला बताया जा रहा है, जहां बागी प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार रोकने की कोशिश की गई है। बताया ये जा रहा है कि बीजेपी से बागी प्रत्याशी जो हैं, उनके घरों में पथराव किया गया, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश भी की गई है। अज्ञात लोगों पर इस मामले में पथराव का आरोप लग रहा है, जिसकी शिकायत प्रत्याशी ने पुलिस से की है। तो बागी प्रत्याशियों के प्रचार रोकने की कोशिश की गई, नगर पंचायत नरहरपुर का मामला, जहां देर रात को अज्ञात लोगों ने बागी प्रत्याशी के घर में पथराव कर दिया। बीजेपी से हैं बागी प्रत्याशी, जिनके घर में पथराव किया गया, प्रचार प्रसार रोकने की कोशिश भी की गई है। परिजनों को धमकाया भी गया, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। पथराव किया गया, इसके बाद से परिजन दहशत में हैं। प्रत्याशी ने पुलिस से लिखित शिकायत इस संबंध में की है। अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। प्रकाश ठाकुर संवाददाता फोन लाइन पर जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या कुछ जानकारी? बीजेपी से बागी प्रत्याशी के घर में पथराव किया गया है। जी, बता दूं कि जिस प्रकार से जो निकाय चुनाव का बिगुल बजा है, उसके बाद प्रत्याशी घोषणा हुई है और जैसे ही भाजपा के प्रत्याशी ने बगावत की, उसके बाद अब चुनाव के नजदीक आते आते ही चुनावी रंग दिखने लगा है। उसके चलते जो भाजपा के शासनकाल में जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, उनके घर में बीती रात को अज्ञात लोगों ने हमला किया है। साथ ही साथ एक जो महिला प्रत्याशी जो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रही, उसके भी जो बैनर पोस्टर है ये फाड़े गए। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव के नजदीक आते ही जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा के हो कांग्रेस, जिनको लग रहा है कि अब उनको इनकी वजह से किसी प्रकार नुकसान उठाना पड़ना है, तो इस प्रकार से उनके चुनाव प्रचार को कम करने के लिए और या उनको डोमिनेट करने के लिए इस प्रकार से घटना की गई। हालांकि इस घटना में के बाद जो है प्रत्याशी हैं घनाराम साहू उपाध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, और जो कांति साहू है वो भी रही है। तो इनके जो परिजन हैं, उनके पुत्र और पिता ने जाकर थाने में लिखित शिकायत की है। शिकायत के बाद जो स्थानीय पुलिस है वो मामला की जांच कर रही है। हालांकि अब तक जिन लोगों ने इन पर उनके घर पथराव किया है, उनकी पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस हर दिशा पर उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस प्रकार के जो चुनावी समर है उसमें किसी प्रकार खलल ना पड़े। जी, बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जानकारी के लिए। तो एक तरफ तो चुनाव का देखिए बिगुल बज चुका है, पार्टियां जो हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इस तरह की भी तस्वीरें सामने आई है, जहां बागी प्रत्याशी बीजेपी से जो हैं उनके घरों में पथराव किया गया और अज्ञात लोगों ने ये पथराव की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।